वो आदमी जिसे पुलिस किलर के नाम से चार्जशीट कर चुकी है, जिसने तीन कत्ल करके पूरे शहर में दहशत फैला रखी है, वो मुझसे अपना केस लड़ने की बात कर रहा है। 3 नहीं 4 खून किया है मैंने। लगता है शाम का अखबार आपने पढ़ा नहीं। पुलिस ने मेरे नाम के साथ खूनी जोड़ दिया है, मगर मैं खूनी तभी माना जाऊंगा जब अदालत मुझे खूनी करार देगी। और खुराना साहब, आप जैसे काबिल वकील के लिए मुझ जैसे लोगों को अदालत से बचाना चुटकियों का खेल है। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री, मैं अदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तुम जैसे खूनियों की पैरवी करने के लिए तालीम नहीं लिया है मैंने। हालात जो भी रहे हो, खून किया है तुमने, गुनाह हुआ है तुमसे। कोई गुनाह नहीं हुआ मुझसे। मुझसे जो हुआ उसे गुनाह मत बोलिए, क्योंकि वो जरूरी था इस शहर के लिए, इस शहर के सुकून के लिए। उन 4 लोगों की पहचान मिटाकर मैंने एक नेक काम किया मिस्टर कुराना, और इसके लिए मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, ना ही पुलिस से भागते हुए जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। और आपके बारे में सब जानता हूं मैं। कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत ली आपने, सब जानता हूं। अब खुद को नंगा करने में ज्यादा वक्त मत लो खुराना। साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए, 5 करोड़, 10 करोड़? हाँ, शराब पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। मिस्टर विशाल, तुमने अपने केस के लिए जो कीमत लगाई है उससे मुझे एतराज नहीं है, मगर एक बात मैं भी जानना चाहता हूं। जिस आदमी के पीछे पुलिस लगी है, जो पनाह के लिए शहर का एक कोना तलाश रहा है, वो 10 करोड़ का इंतजाम कहां से कर पाएगा? खुराना साहब, अगर मैं बदनाम हुआ हूं तो थोड़ा सा नाम भी कमाया है, पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तुम अपना कमिटमेंट पूरा करो और पुलिस को सरेंडर करो।